हेलो गाइस, क्या आप फिनो पेमेंट बैंक का CSP चलाते हैं और आपको पता नहीं इस अपडेट के बारे में? यानी आप फिनो पेमेंट बैंक का CSP चलाते हैं क्या? स्विडोल ABPS के माध्यम से या मैथम के माध्यम से आप ATM से विड्रॉल करते हैं? तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि नया एक सर्विस अपडेट आया है ABPS के सिस्टम में। क्या है वो अपडेट, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान। यानी आप सभी को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्टार्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप और फिनो पेमेंट बैंक एंड बिग अपडेट्स। यानी अब फिनो पेमेंट बैंक का CSP चलाता है और उसमें एक बड़ा सा अपडेट आया है जो है कि बहुत कमाल का। यानी पहले हम लोग जो ABPS से ट्रांजेक्शन करते थे उस पर आप सिर्फ उसका कितना यानी अमाउंट है वही आप चेक कर पाते थे, मगर अभी आप क्या कर पाएंगे, अभी आप उन लोगों का पूरा मिनी स्टेटमेंट निकाल पाएंगे। यानी 10 डेज का आप मिनी स्टेटमेंट उसका निकाल पाएंगे। वो भी कैसे, मैं आपको डिटेल से लाइव बताने वाला हूँ कैसे आप करने वाला है मिनी स्टेटमेंट का पूरा इंक्वायरी। तो चलिए मेरे साथ भी बने रहिए वीडियो के साथ और प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। सो लेट्स स्टार्ट एंड गो टू माई कंप्यूटर स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं मैं आ चुका हूँ मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि कैसे आप मिनी स्टेटमेंट का इंक्वायरी कर सके। ठीक है, तो इसके लिए पहले इससे पहले आपको करना क्या आ गया, इससे पहले आपको अपना जो फिनो पेमेंट उनका CSP का आईडी है इसको आपको लॉगिन कर लेना है। तो मेरा जो आईडी मैं इंटर कर चुका हूँ उसमें मैं अभी इसमें नेक्स्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपना जो, तो देखिए मैं लॉगिन होके आ चुका हूँ मेरा कंप्यूटर, देखिए मेरा CSP आईडी से। और आपको अभी करना क्या है, जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, जो 3 डॉट्स में जाते थे उसके बाद ABPS सिस्टम में जाते थे, आपको वही सिस्टम्स में आपको जाना है। ठीक है, देखिए थोड़ा वही सिस्टम्स में आपको जाना है। जाने के बाद आपको जिससे आप ABPS सिस्टम था आपका, देखिए कैश विड्रॉल जो पहले मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन नहीं था, देखिए आप अभी देख पाएंगे कि मिनी स्टेटमेंट का जो सिस्टम्स है वो अभी इसमें आ चुका है। देखिए मिनी स्टेटमेंट्स पहले ये नहीं था मगर अभी आ चुका है अपना सिस्टम्स में। तो देखिए पहले सिस्टम्स में नहीं था, अभी आ चुका है और अभी इसमें बहुत सारा अच्छा फीचर्स भी है। ठीक है, तो मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ, तो चलिए लाइव करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको मिनी स्टेटमेंट डालना है, उसके बाद आपको अकाउंट डालना है, बैंक आपको डालना है। तो मैं सीधे आपका जो एयरटेल पेमेंट बैंक है मैं उसी को डालूँगा। डालने के बाद आपका आपको डालना है आपका आधार नंबर, डालने के बाद आपको कैप्चर में क्लिक करना है। जब आप कैप्चर में जाएंगे तो आपको कैप्चर में क्लिक करना है और आपको इजीली आपको जो है वो सिस्टम्स, देखिए कैप्चर्स इज डन। कैप्चर डन होने के बाद आपको इजीली इसमें आपको सबमिट कर लेना है। तो अगर आपका पास नेट कनेक्शन अच्छा होगा तो ज़रूर आपका जो स्टेटमेंट है वो निकल जाएगा, और अगर आपका नेट में थोड़ा स्लो है, क्योंकि मेरा अभी नो इंटरनेट कनेक्शन जो है बहुत ही स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है और शायद फेल्ड भी हो सकता है, तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए मेरा जो अभी नेट कनेक्शन है वो बहुत ही प्रॉब्लम है, इसलिए मेरा जो ABPS मिनी स्टेटमेंट फेल आया है। ठीक है, तो आप इस तरह से कर लेंगे तो आपका ईजिली आप मिनी स्टेटमेंट निकाल पाएंगे और इसका सुविधा आप उठा पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप वीडियो को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और प्लीज़ वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ आपका जो नोटिफिकेशन आइकन यानी बेल आइकन उसको जरूर अलाउ कर देना, क्योंकि मैं रोजाना आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो डालते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।